नमस्कार। गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन किया। आपको बताते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा गोरखपुर आयकर भवन के कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में आए थे। उद्घाटन समारोह के समापन के पश्चात वित्त मंत्री सीतारमण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही उन्होंने नाथ संप्रदाय से जुड़ी विभिन्न वस्तुओं और कृतियों का अवलोकन भी किया और गोरखनाथ मंदिर में किए गए व्यवस्थित प्रबंधन की सराहना की। प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत हरिशंकर तिवारी के घर ईडी ने छापा मारा। आपको बता दें कि ये छापा सुबह 5 बजे से चल रहा है। वहीं छापेमारी को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा बल ने तिवारी हाथे को अपने कब्जे में ले लिया है। बसपा से चिल्लू पार से हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी विधायक रहे हैं और बड़े बेटे भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी संत कबीर नगर से सांसद रहे हैं। ये गंगोत्री इंटरप्राइजेस के नाम पर होने के साथ बैंक के करोड़ों रुपए के लोन के डिफॉल्ट का मामला है। अभी 5 घंटे से लगातार पूछताछ जारी है। पूरे घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है जिससे कि बाहर का व्यक्ति कोई अंदर ना आ सके। उत्तर प्रदेश ग्रामीण स्वच्छता ग्राही कर्मचारी संघ ने प्रदेश प्रभारी जितेंद्र विश्वकर्मा के नेतृत्व में प्रोत्साहन धन राशि को 18,000 महीना किए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में प्रदेश प्रभारी जितेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि शासन द्वारा किए गए तमाम प्रयासों एवं निर्देशों के अनुसार प्रदेश में नियुक्त ग्रामीण स्वच्छता ग्राही द्वारा सौंपे गए दायित्वों के पूर्णतया निर्वहन के उपरांत भी उन्हें उनके जीवन योग्य कम से कम 15,000 से 18,000 रुपया किया जाए, जिसका आश्वासन मुख्यमंत्री ने सीतापुर में दिया था, जिससे कर्मचारियों का गुजारा हो सके। हम लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करते हैं। इस अवसर पर रामचरित प्रदीप कुमार मौर्य, रीज कुमार, अंकित पांडे, राधिका सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए उत्तर प्रदेश स्वच्छताग्राही संघ के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र विश्वकर्मा ने कहा, हम सभी गोरखपुर के स्वच्छताग्राही हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने 1 अक्टूबर को सीतापुर के नैमिषारण्य में कहा था कि सभी स्वच्छताग्राहियों को वेतन और नियुक्ति पत्र देंगे। हम उसी की मांग करने के लिए हम इनके पास आएगा, इतना दिन हो गया और कार्रवाई सुन्य रहा और निश्चित तौर पर आज हम स्वच्छताग्राही एक रणनीति के तहत यहाँ आए हैं। RDM महोदय के माध्यम से उनको अवगत करा दिया गया है और आगे का लड़ाई हम लोग का बहुत ही बेहद और आंदोलन तरीके से होगा। निश्चित तौर में विधानसभा के साथ साथ अगर मांगे नहीं पूरी होती है तो दिल्ली की संसद भवन का घेराव करने के लिए हम लोग निकलने वाले हैं। इससे पहले भी आपने मुलाकात हुई थी कभी मुख्यमंत्री जी से मिलने या कुछ ऐसा कुछ? नहीं, मुख्यमंत्री से मिलने का कई बार हम लोग प्रयास किए लेकिन मुलाकात हम लोग का संभव नहीं हो सका। जितेंद्र विश्वकर्मा, प्रदेश प्रभारी स्वच्छताग्राही संघ। के छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष संतोष मौर्य के नेतृत्व में पुलिस भर्ती के लीक हुए पेपर को दोबारा कराने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में सपा के छात्र सभा के जिला अध्यक्ष संतोष मौर्य ने बताया कि हम लोगों को छात्रों के माध्यम से पता चला है कि 17 व 18 को ही पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, जो कि व्हाट्सएप व टेलीग्राम पर चल रहा था। इससे परीक्षा में शामिल छात्रों को एक भविष्य अंधकार में डूब गया, इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि लीक हुए परीक्षा को निरस्त कर परीक्षा को दोबारा करवाया जाए जिससे छात्र का हित हो सके। इस अवसर पर सत्यम सिंह यादव, राज पासवान, आफताब अहमद, नवाज लारी, उदय चौहान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए सपा के छात्र सभा जिला अध्यक्ष संतोष मौर्य आजम लारी ने कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती RO AR O जो भर्तियां लीक हुई हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्री विनीत कुशवाहा जी के निर्देश पे हम सभी समाजवादी छात्र सभा से
लोग आए हैं धरना ज्ञापन देने, और महोदय जी से मांग करते हैं कि पुलिस भर्ती जो लीक हुई है इसको निरस्त करके दोबारा करवाया जाए। क्या नाम आपका? संतोष मौर्य, समाजवादी छात्र सभा, जिला अध्यक्ष गोरखपुर। हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि इसको, इस परीक्षा को टालें, निरस्त करें, जांच कराएं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराएं। देखिए जांच तो होती रहेगी, लेकिन इसको तत्काल जब उसके प्रमाण हैं पर्याप्त तौर पे कि पेपर आउट हुआ था, तो सबसे बड़ा इसको जो है कैंसिल करके फिर से नौजवानों के भविष्य खिलवाड़ ना करें। लेकिन इस तरह से नौजवान बार बार छला जा रहा है, 2024 में नौजवान इसका बदला लेगा। मेरा मोहम्मद आजम दारी नाम है, मैं यूथ ब्रिगेड का पूर्व जिला अध्यक्ष हूं। गीता प्रेस में फरवरी माह में छप रही कल्याण पुस्तक का विशेषांक अयोध्या मंदिर व भगवान श्री राम पर आधारित है। आपको बताते हैं कि गीता प्रेस अनेकों धार्मिक पुस्तक की छपाई की जाती है, लेकिन फरवरी माह में कल्याण पत्रिका भगवान राम व राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर आधारित है। इससे कल्याण के पाठकों को अयोध्या व राम मंदिर से संबंधित लेख पढ़ने को मिलेगा। कल्याण पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर राम मंदिर में स्थापित भगवान राम की प्रतिमा का चित्र प्रदर्शित किया गया है। इससे जो कल्याण के पाठक हैं वो अयोध्या के बारे में जान पाएंगे और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बारे में विस्तृत में समझ पाएंगे। ये पत्रिका हर महीने किसी विशेष पर हर महीने छपता है। जनवरी का विशेषांक आनंद रामायण पर छपा था और फरवरी का विशेषांक भगवान राम पर छपा गया है, जिसकी पैकेजिंग शुरू हो गई है। अगले सप्ताह में लोगों के बीच पहुंच भी जाएगा। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए गीता प्रेस के प्रबंधक लाल मणि तिवारी ने कहा, कल्याण हमारा एक वार्षिक प्रकाशन है, वर्ष में 12 अंक छपते हैं, तो इसका जो विशेषांक छपा जनवरी का अंक, उसमें अध्यात्म रामायण छपा है। इसमें भगवान की बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जो अन्य रामायणों में नहीं मिलती हैं। इसके बाद फरवरी का अंक भी हम लोग ऐसा छापे हैं जिसमें कि भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई जिस प्रतिमा की, वही प्रतिमा हम लोगों ने कबर पर छापा है। भगवान के बाल रूप का एक चित्र इसमें दिया है और अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके विषय में एक बहुत अच्छा और बहुत सुंदर लेख, ताकि जो हमारे पाठक हैं उनको प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित पूरी जानकारी हो जाए, ये दिया गया है। सर ये भी बताया गया कि अयोध्या के बारे में भी पूरी जानकारी है इसमें। हाँ, अयोध्या के विषय में नहीं है, जो प्राण प्रतिष्ठा के विषय में जो हुआ है कार्यक्रम उसके विषय में और कुछ इतिहास के विषय में इसमें ये जानकारी है जी। सर लोगों को कितना पसंद आ रहा है? अब देखिए पसंद की कोई हमारी ऐसी बात तो नहीं, हमारे तो ग्राहक ही लगभग 1,60,000 हैं, उनको तो हम भेज ही रहे हैं, उसके बाद फिर देखते हैं, अलग से तो हम भेजते नहीं हैं। लेकिन आनंद रामायण हमने निकाला है तो इस बार इनके जो पाठकों की संख्या है ये काफ़ी अधिक बढ़ने की संभावना है।